हाय एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का वन स्टॉप एलिगेंस में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं छटकेदार और बहुत ही मज़ेदार और ऑल टाइम फेवरेट दही पूरी। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे ताज़ी पूरियां, बारीक कटे हुए प्याज, ताज़े फेंटे हुए दही, उबले हुए मैश किए हुए आलू, हरी चटनी, उबले हुए बटानी और इमली की चटनी। पहले हम पूरियों में छोटे छोटे होल बना लेंगे। इसी के लिए ज़रूरी है कि पूरियां ताज़ी होनी चाहिए। अगर पूरियां ताज़ी होंगी तो होल सही से बनेंगे। फिर एक सर्विंग प्लेट में सारी पूरियों को अरेंज कर लेते हैं। पूरियां अरेंज हो गई, चलिए अब स्टफिंग शुरू करते हैं। पहले हम आलू की स्टफिंग करेंगे। छोटे छोटे आलू के बॉल बनाकर इन पूरियों के अंदर डाल देते हैं। मैंने आलू और बटाने को उबालने के समय नमक डाल दिया था। अब हम बटाने के चंद दाने ऐड करेंगे। अब बारी आती है हरी चटनी की। हरी चटनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी चटनी बहुत ही कम ऐड करिए। अब इमली और डेट्स की चटनी ऐड कीजिए। हरी चटनी और इमली की चटनी बनाने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है दही ऐड करने की। दही आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो कम डालिए और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालिए। मुझे ज़्यादा दही डालने पर ही अच्छा लगता है तो मैं यहाँ दही ज़्यादा मकदार पर ऐड कर रही हूँ। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने लाल मिर्ची पाउडर, क्यूमिन पाउडर और चाट मसाला ऐड किया है। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप बारीक कटी हुई प्याज ऐड कीजिए। ये भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर बारीक कटी हुई धनिया ऐड कीजिएगा। आखिर में आप सेव से सारी दही पूरियों को सजा दीजिए। लीजिए आपका बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब, थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी दही पूरी तैयार है।